चलिए बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके डाउट्स लूंगा मैं, फॉलोड बाय जो हमने आज करना है वो क्वेश्चंस कवर करेंगे आगे के। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 5 पार्ट्स में किसी के डाउट्स हैं? सर मेरा सेकंड और फोर्थ है। सेकंड कोई बात नहीं, सेकंड देखो पहले, आंसर गलत लग रहा है मेरे को, 240 है, माइनस हाफ तो नहीं आ रहा? नहीं बेटा फर्स्ट वाला ठीक है, कर देता हूँ मैं। देखो इधर साइन 135 आपने 90 के रेफरेंस से किया बेटा या 180 के? सर 90 तो ये हो गया बेटे साइन 90 प्लस 45। यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट? सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस आपने, और फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, आपने कॉस का साइन देख लिया है ना? यस सर। फर्स्ट फाइव में और कोई? एक मिनट, थर्ड है किसी का डाउट? सर मेरा है। सर यस। ओके इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, अभी देख लेते हैं। कोसेक 1110 18 इनटू 6 कितना होता है? 108 तो 1080। कोसेक 6 इनटू 180 1080 पे पहुंचा प्लस 30। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? 6 into 180 even multiples of 180 हुआ, मतलब आप इस लाइन पे हो। प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। कोसेक 30, आंसर आ गया 2। क्या गलती कर रही थी बेटे? तो मैं उसे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके मैं ऑड मल्टीपल पे चली गई, इवन मल्टीपल से, इवन मल्टीपल है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। फोर्थ फिफ्थ तक कोई और? सर फोर्थ, उसका भी आंसर मैच नहीं हो रहा। मैच कर देते हैं। यस सर। देख लेते हैं बेटा, सेक 1470 शुभांकर टाइम पे आया करो बेटे। शुभु टाइम पे आया करो। ये हो गया सेक 180 इंटू 8, ये 444 ये 1480 into 8 कितना हुआ? 144? Yes sir। Plus 30, मानता है बेटा? Yes sir। 180 into 8 मतलब फिर से even multiples of 180? Yes sir। Plus 30 first quadrant फिर से? Yes sir। Sec 30 कितना होता है? 2 by root 3। 2 by root 3। आंसर आ गया। करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। गलती कैसे हो गई इसमें? और बोलिए बेटा, 10 तक कोई और? टेन तक किसी बच्चे का कोई और? टेन तक किसी और का कोई नहीं है? नो सर। थर्टीन से पहले किसी का? थर्टीन देखिए, डाउट्स जितने मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेम्प्ट किया होना चाहिए तब आपको भी समझ में आएगा कि क्या गलती है। साइन 315 आपने बेटा 360 के मल्टीपल से किया या 270 से? So, मैंने 180 को करा, 2 into 180 एक ही बात है। साइन 2 into 180 माइनस 45, 2 into 180 कहां पे हो गया बेटा? ये वाला okay, आपने फिर से ऑड मल्टीपल ले लिया उसको। मैंने सिर्फ बेटा वो तो हमेशा करोगे, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 180, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180,
ये इवन मल्टीपल ऑफ 180, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है? ओके सर। सो आगे आ जाते हैं। सो इवन मल्टीपल, हाँ एक मिनट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस में जैसे कुछ क्वेश्चन में tan ब्रैकेट माइनस 1125 डिग्री है तो उसमें नेगेटिव बाहर ले लेते हैं और सपोज अगर अंदर वो नेगेटिव नहीं आता तो फिर हम फिर नेगेटिव में वैल्यू निकालेंगे। हाँ फिर नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा। आ गया, मैं समझ गया तेरा। आ सकता है नेगेटिव, आ सकता है आंसर। तो सर फिर जो माइनस टैन के बाहर हमने लिया था उसको कंसीडर करेंगे ना? बाद में करोगे, क्यों नहीं करोगे? ठीक है सर। 15 तक और कोई, 15 तक कोई और डाउट? मैंने आपको दिए थे 19 तक और कोई डाउट? बाकी सारे हो गए? देवांश और कोई डाउट नहीं? चैतन्या और कोई डाउट नहीं? एटींथ कोसेक 660, ओ कोसेक 660, 18 3 54, 540, 18 4 720, तो ये आ गया कोसेक 4 × 180 -60। यही किया बेटे? यस सर। 4 × 180 फिर से इवन मल्टीपल्स ऑफ 180 -60 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक इज नेगेटिव। यस सर। कोसेक 60 कितना हुआ? 2/√3। यस सर। ठीक है। ठीक है, और कोई? 20 जितने भी थे, 19 तक और कोई डाउट? No, चलो अब पाई वाले आज करते हैं दोबारा। एक बार लास्ट टाइम जो कराया था हम सोच के करते हैं कि नहीं किया था, एक बार स्टार्टिंग से दोबारा पाई वाले करते हैं। ध्यान दो बेटा, अब ये पाई की टर्म्स में आ जाए तो कुछ स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि जी पाई को 180 बाय वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो और नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बट बड़ा चीप सा मेथड हो जाएगा, आप नहीं करोगे ऐसा, आप सिंप्लीफाई करोगे पाई की टर्म्स में। दिमाग में क्या रखना है? ये है जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। हमें आंसर्स पाई बाई टू तक, 90 डिग्री तक के आंसर्स पता होते हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़े, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, हमें ये वाले वैल्यूज पता होती हैं, साइन कॉस टैन सबकी मालूम होती है। बट अब बड़े भी हो सकते हैं तो सबसे पहले सब एंगल्स को 90 से छोटा लाना है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सपोज करो मुझे बोला कॉस 4π/3 की वैल्यू चाहिए, कॉस 4π/3। अच्छा जी 4π/3, सबसे पहले देखो कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है। पाई का 1. something मल्टीपल है, 4/3 1. something होता है, हाँ कि ना? कितना होता है उससे मेरे को मतलब नहीं है, 4/3 1. something होता है, तो ये एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा है। इतनी बात तो समझ में आती है सबको? यस सर। है ना? अच्छा 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 रिमाइंडर 1, किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो कॉस कोशेंट इज 1, साथ में पाई लगा दो क्योंकि पाई तो था ही, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, साथ में पाई लगा दो, पाई बाई 3। एलसीएम लेके सेम चीज आती है कि नहीं आती? हाँ कि ना? पाई प्लस पाई बाई 3, पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कॉस पाई बाई 3 which is -2। इतनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन से नहीं, अभी बहुत सारे करेंगे, पहले एक बेसिक समझ में आया? Yes, sir. और देखते हैं, ये आज पहला हमने किया। नंबर 2, सपोज मेरे पास होता tan 13π/4, अगेन ये भी 180 से बहुत बड़ा दिख रहा है,
13/4, 1 से तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, सो क्या करो फिर से, 13 को 4 से डिवाइड, 4 3 12, रिमाइंडर 1, फिर से क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो 3 + 1/4, सो tan 3π + π/4, क्या इतनी बात समझ में आती है भाविका? Yes. चैतन्या, देवांश, yes, sir. हरपरम, yes, sir. यशिका, यतिन, जिया, ओके, थ्री पाई कहां पे? ये रहा 3π, ऑड मल्टीपल, प्लस पाई बाय फोर, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव, टैन पाई बाय फोर, आंसर कितना आया? 1. ठीक है जी, एक और देखते हैं ऐसा. सपोज आपके पास होता साइन 17π/4, 17/4 फिर से 1 से बहुत बड़ा है, 17 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 16, रिमाइंडर 1, 4 + 1/4, यू गेट साइन 4π + π/4, 4π मतलब आप यहां पे हो, इवन मल्टीपल्स ऑफ 180, प्लस पाई बाय 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, साइन 45, 1/√2. क्या ये 3 क्वेश्चन सबको समझ में आते हैं? किसी को डाउट इन तीनों में? पहले ये 3 लिखिए, ये सबसे पहले टाइप के हैं जिसमें बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है. अब थोड़ा घुमाएंगे, पहले ये 3 लिखिए, जब लिख लेंगे तो थम्स अप कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन प्रोसीड. थर्ड क्वाड्रेंट ही होना चाहिए. कौन से में बेटे? किस में बेटे? थर्ड क्वेश्चन में एग्जांपल बेटे, 4π कहां पे होता है? इवन मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल होता है? इवन. इवन मल्टीपल वाली लाइन कौन सी होती है? ठीक है सर, समझ आ गया. So in the second question, if we अगर like हमें still execution में like tan 3π - π/4, then वो second quadrant का बिल्कुल second consider होता, आगे वही करूँगा अभी. हरपरम क्लियर है बेटे? शुभांकर? Yes sir. चलिए आगे देखते हैं. और सपोज मेरे पास होता tan 2π/3. अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2/3, 180 से छोटा एंगल है, हाँ कि ना? यस सर. 2/3 1 से छोटा होता है, तो 1π से छोटा है, 180 से छोटा है. अच्छा जी, 90 से तो छोटा नहीं है, क्योंकि 90 होता है π/2, π/2 मतलब 0.5 ऑफ π, 2/3 0.5 से तो बड़ा है, हाँ कि ना? कोई बात नहीं. तो 2/3, 1 से रिमाइंडर -1, क्योंकि 90 से छोटा जब तक नहीं आएगा तब तक वैल्यू नहीं निकाल सकते, 90 से छोटा लाना पड़ेगा. यू गेट tan 1 - 1/3, सो π - π/3. अब पाए मतलब ये वाली लाइन, -π/3 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, -tan π/3, tan 60√3, ये आ गया. दिल से याद हो, π/3 होता है 60, π/4 होता है 45, π/6 होता है 30. ये याद नहीं होंगे तो घूम जाओगे बार बार, आपको पता नहीं, याद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करूं. मेक श्योर π/2 से छोटा एंगल चाहिए, π/2 से अगर बड़ा है, 90 डिग्री से अगर बड़ा है, तो पहले उसे डिवाइड करना पड़ेगा,
चाहे रिमाइंडर नेगेटिव में आए। और देखो सपोज ये होता कॉस 3π/4, अगेन ये पाई से छोटा है, 3/4 1π से छोटा है, सो 3 से 4 को डिवाइड करो, 4 वन जो 4 रिमाइंडर माइनस 1, ये हो गया कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, कॉस पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस मीन्स विच क्वाड्रेंट हर्षित, हर्षित कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? हर्षित माइनस, इतना सोचना पड़ेगा बेटा, मेहनत बढ़ाओ अपनी थोड़ी चीजें, यानी होमवर्क पूरा नहीं किया आज लग रहा है, माइनस कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 1/√2, आंसर आया माइनस 1/√2, बात समझ में आई? और देखो अब जरा थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं, सपोज होता साइन 11 पाई से बड़ा है, 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, रिमाइंडर हुआ 2, साइन कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यहां तक कोई दिक्कत? रफ एलसीएम लेके सोच लिया करो, सेम चीज आनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट किसी को? थ्री पाई मतलब ये वाली लाइन प्लस समथिंग मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, हाँ, तो माइनस साइन 2π/3। अच्छा जी, अभी भी ये 90 से तो छोटा ही है, 90 से तो सॉरी बड़ा ही है, 90 से बड़ा है, तो अभी इसमें एक और स्टेप लगाओ, 2 को 3 से डिवाइड, रिमाइंडर माइनस 1, तो ये हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 3, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस ऑलरेडी बाहर है, ये हो गया प्लस साइन पाई बाई 3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, समझ में आई बात? तो इसके लिए आपको 0, 45, 30, 60, 90 इन टर्म्स ऑफ पाई दिल से याद होने चाहिए, जैसे ही पाई बाई 2 से बड़ा है, 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा होगा, तो आपको पहले उसे 90 से छोटा लाना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। ये 3 कॉपी करो, अभी ऐसे और बहुत सारे करूंगा, इसका एक और मेथड भी है। हाँ सर, 6th क्वेश्चन में मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया है, लाइक मैंने ऊपर डिवाइजर में 4 कर रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, डोंट वरी, वो कल मैंने समझाया था ना थोड़ा सा बेसिक, अभी करा रहा हूं मैं, वही तो बोल रहा हूं, वही बताऊंगा बेटा, एक मिनट पहले ये कॉपी कर लो, फिर वो भी बताऊंगा, वो जान के छोड़ा मैंने अभी 2 मिनट, बट ये ध्यान रखो कि बाई चांस वो नहीं भी होता तो इससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में तो आ गया ना पूरा, ये वाला, ये वाला तो पूरा क्लियर है, ठीक है, अभी ये कॉपी करो पहले, फिर इसको दूसरा मेथड भी बताता हूं शॉर्टकट वाला। अनमोल आपको क्लियर है बेटे ये?
हाँ जी सर, इसको सेकंड ईयर स्टेप बता दो। कौन से क्वेश्चन का बेटा? सिक्स का। आप मेरे को ये बताओ, पहले ये स्टेप समझ में आ गया यहां तक? यस सर। अब देख, 2π/3 पहुंच गए हम। 2π/3 अभी भी π/2 से तो बड़ा ही है ना? अब π/2 से बड़ा है तो फिर से वही 2 को 3 से डिवाइड किया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखा। ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। अब माइनस साइन बाहर रखो, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, माइनस साइन बाहर है, उसका कुछ नहीं करना। फिर प्लस इनटू माइनस हुआ माइनस, और साइन पाई बाई थ्री मतलब साइन 60 की वैल्यू डाल दी। ठीक है बेटे? यस। डन सबका? हर्षित, जपनीत, सिमर, यतिन, जया, ओके। अब इसी को देखो, सपोज आपके पास यही वाला क्वेश्चन था, साइन 11 पाई बाई थ्री। अब ये पाए से 180 से बहुत बड़ा एंगल है, ध्यान दीजिए। 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, जो कि पिछले में किया था मैंने, 3 3 से 9 लिखा था, रिमाइंडर 2 आया था। अगर मैं 3 से डिवाइड करने पे 4 लिखता, रिमाइंडर -1 आता। वैल्यू वाइज जिसमें रिमाइंडर छोटा होगा वो यूज करो, गलती कभी नहीं होगी। इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, इसमें रिमाइंडर की वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यू साइन के बिना, इसमें रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। तो ये यूज करोगे जल्दी हो जाएगा। ये हो गया साइन कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर -1 है अपॉन डिवाइजर। अब 4π माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। सीधा आंसर पहुंचोगे आप, स्टेप्स बचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कब ये यूज करना है। और देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, सपोज ये होता कॉस 15π/4। 15 को 4 से डिवाइड करूं, अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 बचता है, अगर 4 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 1 बचता है। वैल्यू वाइज तो छोटा कौन सा हुआ? 1 छोटा हुआ कि नहीं हुआ? है ना। सो इसीलिए हम इसको ये लिखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 4π-π/4। फिर से 4π इज दिस, माइनस पाई बाय फोर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, कॉस पाई बाय फोर, आंसर आया 1/√2। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं नहीं कर रहा ऐसे, मैं तो 3 लिखूंगा। कोई बात नहीं, गलत नहीं है, दो स्टेप फालतू सही। आपने कहा नहीं जी सर मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को माइनस रिमाइंडर नहीं लाना, मेरे टीचर ने बोला तुम गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, रिमाइंडर 3। ये हो गया 3π + 3π/4। 3π माने आप यहां पे हो, प्लस समथिंग मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, कॉस होता है नेगेटिव, माइनस कॉस 3π/4। अब 3π/4 π/2 से बड़ा है, इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया π - π/4, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस हुआ प्लस, आंसर आ गया 1/√2। अब देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, चॉइस आपकी है। मैंने सिंपल लॉजिक बताया कि एक आगे बढ़ जाओ, भले ही रिमाइंडर भले ही नेगेटिव हो जाए, रिमाइंडर वो वाला वैल्यू लो जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आएगी क्वेश्चन कम स्टेप्स में होगा। करिए एक और करता हूं मैं ऐसा,
करूं एक और, हो गया यहां तक। और देखिए, सपोज आपको बोला टैन 23π/6, 23 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, रिमाइंडर आता है 5, बड़ा रिमाइंडर है। 6 4 24, रिमाइंडर आता है सिर्फ 1 वैल्यू वाइज, तो 6 4 24, रिमाइंडर आया 1। यू गेट टैन 4π-π/6, 4π मतलब यहां पे माइनस पाई बाई सिक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है नेगेटिव, माइनस टैन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 30, टैन 30 1/√3। सबको क्लियर है बेटा? दिवांश, हरपरम, yes, हर्षित, अनमोल, अनन्या, भाविका, yes, चैतन्या, yes, शुभांकर, yes, सिमर, याशिका, यतिन, जिया, ओके, yes, ये कॉपी कीजिए। अब करिए असाइनमेंट, निकालिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको दिया था, उसमें 19 पार्ट्स तक कर लिए थे, 20 से 27 तक सारे करने हैं। अभी मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं करूंगा, आप स्टार्ट कर दीजिए। 20th साइन 5π/3, 21 tan 11π/6, 22 tan 19π/3, 23 cot minus 15π/4, 24th sin minus 11π/3, 25 cos minus 13π/6, 26 cot minus 37π/6, and 27th tan 25π/3। 26th का 24th के आंसर में गलती है, 24th का आंसर में प्लस रूट 3/2 आंसर है, माइनस की जगह। करियर अटेम्प्ट, आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 से 10 मिनट ले लो, चलो करो ये सारे।
अटेम्प्ट जिस जिसका होता जाए प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। हाँ जी सर, क्वेश्चन 25 में नेगेटिव रूट 3 बाय 2 नहीं होना चाहिए? 25 में नहीं बेटा, प्लस होगा, प्लस होगा सर। माइनस बाहर से लगा ना पहले? हाँ, तो दो माइनस हो गए ना, बाद में भी तो एक और माइनस आया सर। लेकिन वो तो इवन साइड है, इवन साइड के ऊपर, यानी कि ऑल साइड्स पॉजिटिव। ओह, इवन साइड के ऊपर नहीं, नीचे 4 पाई माइनस है बेटा। सर माइनस 25th क्वेश्चन हाँ, तो मैं कुछ कह थोड़ा हूँ बेटा, ठीक तो कह रहा हूँ मैं सर, आप कह रहे हो ना माइनस साइन बाहर जाएगा, वो 24 बेटे, वो 24th बोल रहा है। दो बच्चे दो क्वेश्चंस अलग अलग बात कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन 25 बोल रहा हूँ। ओके, 25 की बात कर रहा है, तो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉस है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ना। ओके सर, याद आ गया, कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। आई थॉट तू 24th बोल रहा है, दैट वाज अ कंफ्यूजन। आंसर दोनों का सेम है ना? यस सर। ठीक है, कॉट 30 माइनस रूट 3। पहला स्टेप आपका सेम है, देखो सामने स्क्रीन पे कर दिए मैंने सारे। मैंने स्टार्टिंग में माइनस नहीं डाला, मतलब माइनस मैंने के साइन ब्रैकेट में 4 पाई माइनस पाई बाय 3। तो वो माइनस कहाँ गया जो माइनस 11 वाला था? अच्छा, ओके, वो गायब कर दिया ना आपने। हाँ, हो गया प्लस। हाँ जी बेटा,
क्वेश्चन 25 में ये कॉस्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर में लाइन ही करना, फर्स्ट में है, बिल्कुल फर्स्ट में सर। तो फिर माइनस, लेकिन आपने जो बोला था लाइक माइनस कॉस्ट वो सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में होता है। ओहो मुन्ना, वो तो उस माइनस का तो खेल खत्म हो चुका है ना, इस माइनस को तो अब खत्म कर चुके हो। स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर दिया। हाँ मैंने तो स्टार्टिंग में खत्म कर दिया, माइनस बाहर आता ही नहीं, माइनस खत्म हो जाता है। अब हमारे पास ये बचा सिर्फ, अब इसकी वैल्यू देखूंगा मैं, या ये बचेगा इसकी वैल्यू देखूंगा। उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था उससे मेरे को क्या मतलब है, मैं सिंप्लीफाई करके जहां तक पहुंच गया मुझे उससे मतलब है ना। करो करो खत्म करो फटाफट 27 तक, सबके क्लियर हो गए हैं। भाविका आप कहां पहुंचे बेटे? 26 कर रहे थे। उससे पहले के सारे हो गए? यस वेरी गुड। शुभांकर आप कहां पहुंचे बेटा? 24। ओके कर 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 ध्यान से कर। याशिका बेटे आप कहां पहुंचे हो? 26। ओके जिया? 25। यतिन? 25। आस्था? आस्था सर ऑल डन। ऑल डन। अमृत? यस सर डन। अनन्या? क्वेश्चन 24 ओवर होने वाला है। ओके अनमोल? ओके सब कर लो फटाफट, दो चार मिनट और लेते हैं फिर और क्वेश्चंस करेंगे। हर्षित आप कहां पहुंचे बेटे? सर 25। करो फटाफट। हरपरम? करो खत्म करो, जब हो जाएगा तब आगे चलेंगे। कॉपी नहीं करना, खुद करना है, अटको तो देखना है, और तब भी ना समझ में आए तो मुझसे बात करनी है, सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। सर हाँ जी, ये जो फिर 25th पार्ट में ये 5/6 जो इसकी वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो इसलिए सर उसका साइन हट है ना कॉस का, कॉस 2 पाई प्लस समथिंग है, तो हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए प्लस हुआ। ठीक है सर। हर्षित डन? यस सर। हरपरम? हरपरम yes, शुभांकर? शुभांकर ओके yes. किसी का रहता है बोलिए, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो यही वाले हैं, सेम है, बट अब बड़े क्वेश्चन से चार पांच वैल्यू डलेंगी, जैसे एक दो मैं करके दिखाता हूं। अगला पेज निकाल लीजिए नो असाइनमेंट का, पेज नंबर 8 क्वेश्चन 6, कोई एक एक दो करके दिखाता हूं इसमें मैं। जैसे लेट सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, इसमें बोला प्रूव करना है फॉलोइंग, कॉस 570
साइन 510, साइन -330 और कॉस -390 इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चंस कैसे प्रूव करेंगे? इंडिविजुअली जो टर्म्स दी हुई है उनकी वैल्यू निकालो। बेसिकली ये चार क्वेश्चंस हैं, वैल्यू निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। जैसे इस क्वेश्चन को करता हूं, मैंने बोला कॉस 570 की वैल्यू डालो, 18 3 54, 3 × 180 + 30। थर्ड क्वाड्रेंट 3 × 180 है तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 है, प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ये हुआ माइनस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। फिर दूसरी वैल्यू है साइन 510, ये हो गया साइन 3 × 180, 540 -30। ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, प्लस साइन 30, साइन 30 हो गया हाफ। तीसरी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो है साइन -330, साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, -360 - 30। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ साइन इज नेगेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 30, साइन 30 माने हाफ। चौथी वैल्यू कॉस -390, कॉस पे माइनस बार नहीं आता, खत्म हो जाता है, कॉस 390। ये हो गया कॉस 360 प्लस 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, कॉस 30 √3/2। चारों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो, कॉस 570 माइनस √3/2, साइन 510 1/2, साइन 330 1/2, कॉस -390 √3/2। तो ये आया -√3/4 प्लस √3/4, कट के आंसर आ गया 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर सबको ये? Yes, समझ में आ गया? तो बेसिकली वही है, बस चार क्वेश्चंस बन गए तीन की एक उसकी जगह। इसमें क्वेश्चन 6 के 9th पार्ट में, क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट में करेक्शन है, राइट हैंड साइड में 2 होगा, 0 नहीं है, 2 है। इसका अब एक पाई वाला भी कर देता हूं। सपोज क्वेश्चन इसी का 6 का 10th पार्ट, ये है tan 11π/3 -2 sin 2π/3 -3/4 cosecant square π/4 +4 cos² 17π/6। चार वैल्यूज, चारों को निकालते हैं। अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो सब। 11π/3 पहले वैल्यू निकालो, इंडिविजुअली सबकी निकालो। tan 11π/3, 11 को 3 से डिवाइड करो, 4 × 3 = 12, 4π - π/3, 4π इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, -π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, -tan π/3, पाई बाई थ्री माने 60 डिग्री, tan 60 √3। फिर साइन 2π/3, यू मे राइट इट एज साइन पाई -π/3, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन होता है पॉजिटिव, साइन 60 √3/2। थर्ड वैल्यू कोसेक π/4, उसको स्क्वायर बाद में देखेंगे, वैल्यू पुट करते वक्त होल स्क्वायर करना है। कोसेक π/4, कोसेक 45 कितना होता है? √2। और चौथा कॉस 17π/6, ये हो गया कॉस 6 × 3 = 18, 3π - π/6। 3π मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, माइनस कॉस π/6। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो -√3/2। चारों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो,
लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, टैन 11 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 4 कोसेक का स्क्वायर करना है, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 4 कॉस का स्क्वायर करना है माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और रूट 3 का 3 और 2 का 4, 4 से 4 कट गया ये 2 कट गया सो ये आया माइनस रूट 3, 2 से 2 कट गया माइनस रूट 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 तो 3 माइनस 3 बाई 2 3 बाई 2 सो माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 बाई 2 एलसीएम लोगे 3 माइनस 4 रूट 3 बाई 2 समझ में आ गया सबको क्लियर है यही प्रूव करना था मैं राइट साइड पे लॉजिक समझ में आ गया सर कौन से क्वेश्चन में करेक्शन थी नाइन्थ में बेटा राइट हैंड साइड में 2 है जीरो की जगह सिक्स के नाइन्थ पार्ट में समझ में आ गया कैसे करना है बेटे सबको लॉजिक क्लियर है यस सर ये दो कॉपी कर लीजिए अपने हाथ से करिए क्वेश्चन लिखिए और अपने हाथ से करके चेक करिए स्टेप्स सिक्स का थर्ड पार्ट टेंथ पार्ट अपने हाथ से करके स्टेप्स चेक कीजिए हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा सिक्स का थर्ड सबका हो गया यस टेंथ पार्ट हो गया किसी का रहता है तो ओके वेट कंप्लीट कर लो पहले
सर हो गया। जपनित? यस सर। बाकी सबका? हर्षित? यस सर। किसी का रहता है तो बोलिए। नो सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये लास्ट टाइप है, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहली बार ट्राइंगल एबीसी बोला तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं? सो इफ आई से ट्राइंगल एबीसी, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, टैन ए प्लस टैन बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। डरना नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। दो एंगल्स का सम अगर दिया हुआ है उसको थर्ड एंगल की टर्म्स में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। लेफ्ट हैंड साइड है टैन ए प्लस टैन बी प्लस सी, बी प्लस सी ए रहा, 180 माइनस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? लिख सकता हूं? किसी को शक इस स्टेप में? इस स्टेप में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। क्वाड्रेंट टू, tan इज नेगेटिव, कट गया, आंसर आ गया जीरो। यही प्रूव करना था। कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, दो एंगल्स का सम अगर दिया है, ट्राइंगल बोला है, उसको तीसरे की टर्म्स में लिख दो। जैसे फोर्थ पार्ट देखो, एक आपको बोला साइन है बेटा, टैन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ टैन 180 माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू, ये प्रूव करने को बोला है। क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, साइन ए प्लस बी बाई टू। अब ए प्लस बी है और हमें आंसर चाहिए सी में, तो ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक? अलग अलग करो, 180 बाई टू हो गया 90 और c बाई टू, तो c बाई टू। टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है? सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? हरपरम, देवांश, हर्षित, कितना होता है? अरे cos थीटा। हाँ यार, इतनी देर cos थीटा, थीटा की जगह क्या है? c बाई टू हो गया प्रूफ। तो जब भी दो एंगल्स का सम हो उसको तीसरे की टर्म्स में लिखो, आंसर आ जाता है हमेशा। ये ऐसे हैं क्वेश्चन 9-10। तो आज का होमवर्क आपका क्या है? दो होमवर्क्स हैं, इसी ऑर्डर में करना। पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है। उसके पहले तीन चार क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, स्टिल लास्ट के जो दो चार पांच बचे वो कंप्लीट करोगे, 5-10 मिनट लगेंगे उसमें। फिर दूसरा असाइनमेंट, पेज 8, इस पे क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो चुका है लास्ट क्लास में, 6 से लेकर ये टोटल क्वेश्चन है 11 तक, ये 6 से 11 जितने भी पार्ट से सब मिला के कंप्लीट करनी है आपको सेकेंड एक्सरसाइज बाय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसके पहले मैं डाउट्स लूंगा और उसके बाद जो काम शुरू होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। खूब सारे फॉर्मूलाज हैं, हम एक साथ नहीं करेंगे, पहले मैं एक सेक्शन फॉर्मूलाज का कराऊंगा, उस पे बेस 30-40 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूलाज का कराऊंगा, फिर उस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। क्योंकि क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला आप सीधा रट्टा मारोगे नहीं होगा, अप्लाई करोगे बार बार तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।